सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां अस्याम अंतर्जालीय कक्षायां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। आप सबों का एक बार पुनः अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी शेष बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें। तो आइए जो शेष श्लोक रह गए थे उनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके पूर्व एक बार पुनः उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें। ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। उस परमपिता परमेश्वर से हम सब ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हमारे तमाम बुराइयों को आप हमसे दूर कीजिए और जो अच्छाई है उन्हें हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान कराएं। तो आइए, इसीलिए आपके पाठ्य पुस्तक में इतने सुंदर सुंदर श्लोकों का समावेश किया गया है। देखिए आज श्लोक को पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सफलम तस्य जीवितम, जीना तभी आपका सफल होगा जब इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। समझ करके पहले समझेंगे, फिर इस पर आचरण करने का प्रयत्न करेंगे। आइए, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। देखिए यहां पर आप सभी को समझना है और समझ करके उत्तर अपने दिमाग में सेट करना है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। देखिए दो चरण हो गए, एक चरण में नाम्भ तक। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्तां विभूतयः परोपकाराय सत्तां विभूतयः परोपकाराय सत्तां विभूतयः। तो इसको मेरे साथ आप बोलेंगे, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्तां विभूतयः। यह श्लोक सुभाषित से लिया गया है। किसे लिया गया है? सुभाषित। किसे लिया गया है? सुभाषित से लिया गया है। तो ये सुभाषित के ही श्लोक हैं। जो आपको बताना चाह रहा है, बार बार यह बताना चाह रहा है, नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति। स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति, नदियां अपने जल को खुद नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, सभी वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते। वारिवाह अर्थात जो बारिश है, सत्यम खलु स्वयं न खा सस्यम, सस्यम यहां क्या होना चाहिए था? सस्यम, सस्यम, सस्यम खलु सस्यम, सस्यम मतलब होता है फसल को। वारिवाह मेघ जो है अपने फसल को नहीं खाते हैं। सत्ताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, परोपकाराय भवन्ति, सत्ताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, सत्ताम विभूतयः किमर्थं भवन्ति? परोपकाराय भवन्ति। तो इनके भावार्थ इस श्लोक के, यथा नद्यः स्वयं स्वजलं न पिबन्ति अपितु एतासां जलं अन्येभ्यः भवति, एतासां जलं अन्येभ्यः भवति, इनके जल जो होते हैं दूसरों के लिए होते हैं। वृक्षा अपि स्वफलानि परिभ्य यच्छन्ति, मेघा अन्यस्य उत्पादनार्थं वर्षन्ति परन्तु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति। तथैव ये सत्पुरुषाः भवन्ति तेषां संपत्तयः अन्येषां परोपकाराय भवन्ति। जिस प्रकार से यहाँ पर उपमा दी गई है सत्पुरुष की, सत्पुरुष की उपमा दी गई है किससे? नदी से, वृक्ष से और वारिवाह से। इन तीनों के गुणों को बताया गया। नदी अपने जल को स्वयं
अब देखिए, जैसे नदियां अपने जल को स्वयं को अपने जल को नहीं पीते हैं, बल्कि उनके जल दूसरों के लिए होते हैं, वृक्ष भी अपने फलों को दूसरों के लिए देते हैं, वैसे ही मेघ अन्न उत्पादन के लिए, यहां पर क्या हो जाएगा, अन्न उत्पादन के लिए, किसके लिए, अन्न उत्पादन के लिए वरसते हैं, परंतु वे उन अन्नों को स्वयं नहीं खाते हैं। वैसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी संपत्तियां दूसरों के परोपकार के लिए होती हैं। संपत्तियां कहने का से तात्पर्य है धन शक्ति ही केवल नहीं होती है, उनके ज्ञान शक्ति, उनके सामर्थ्य शक्ति, जो कुछ भी उनके पास शक्तियां होती हैं, वो सब के सब किस लिए होते हैं, दूसरों के भलाई करने के लिए होते हैं। अतः यदि आप सज्जन बनना चाहते हैं और सज्जन के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो आप सदैव इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने लिए तो करेंगे सो करेंगे ही, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी भलाई सोचेंगे। ठीक है, जब दूसरों के लिए आप जब भलाई सोचते हैं, तो आपका आपकी भलाई खुद ब खुद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, गीता का यह श्लोक दिया गया है। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभो, आत्मा के नाश होने का क्या क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, त्रिविधम, तीन प्रकार की विधियां हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् द्वारम नाशनमात्मनः। अब देखिए इसको बढ़िया से फिर से पढ़िए, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, इसको पढ़िए यहां तक, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसलिए इन तीनों का हमें त्याग करना चाहिए। चलिए, आत्मनः नाशनम इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारं अस्ति, कामः क्रोधः तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ, ये जो है तीन व्यक्ति के, किसी भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर में यदि आ गए प्रचुर मात्रा में, तो उसका नाश निश्चित है। इसलिए कहते हैं भगवान कि एतस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। और महाभारत का युद्ध भी इन्हीं के कारण हुआ था, काम की इच्छा हो गई अधिक प्रबल, क्रोध प्रबल हो गई और लोभ प्रबल हो गए कि हमें भाई पूरा का पूरा चाहिए। और पांडव क्या मांगे थे, केवल 5 ग्राम मांगे थे और बोले थे दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन भी दे न सका आशीष, समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। तो यहां पर भगवान घटनाओं को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, जो श्लोकों के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वह आज भी सार्थक है, उतना ही यह तर्कसंगत है। जिस व्यक्ति के अंदर में अधिक से अधिक प्राप्त करने की कामना हो जाती है, जिस व्यक्ति के अंदर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है बार बार, जरा सी किसी भी छोटी छोटी बातों पर यदि क्रोध उत्पन्न हो जा रहा है, और यदि अधिक पाने का लोभ हो जा रहा है, तो उसके आत्मा के नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने आत्मा के बचाव के लिए काम, क्रोध और लोभ का त्याग करें,
और अपने जीवन को सरल बनाए। तो इनके भावार्थ अस्मिन् लोके कामः क्रोधः लोभः च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते। येषु मनुष्येषु एते दोषाः भवन्ति तेषां पतनं निश्चितम् एव भवति। अतः स्वकल्याणम् इच्छन् नरः एतान् त्रीणि दोषान् शीघ्रम् एव त्यजेत्। तो इनके सरलार्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस संसार में काम, क्रोध और लोभ, ये सभी तीन नरक के द्वार कहलाते हैं। जिन मनुष्यों में ये सभी दोष होते हैं उनके पतन निश्चित ही होते हैं। अतः अपना कल्याण चाहते हुए मनुष्य को इन तीन दोषों को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। चलिए अगला श्लोक जो है वो नीति शतक से लिया गया है। और नीति शतक किसने लिखा है? आपने मधुरा अग्रवाण अग्रवाण भारती, उस अग्रवाण भारती में आपने पढ़ा था संस्कृत भाषा में, तो वहां पर आपने पढ़ा था भर्तृहरि केन लिखितम, सॉरी नीति शतकम केन लिखितम, तो भर्तृहरिणा नीति शतकम लिखितम। नीति शतक जो था वो नीति शतक जो है वो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें क्या लिखते हैं वो, ये शान वेद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ये शान वेद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो अन्वय है, येषां न विद्या न तपः न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणः न धर्मः च भवति ते जनाः मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः इव चरन्ति। मृग के तरह वो विचरण करते हैं। कौन विचरण करते हैं? जिनके अंदर में ये जो कितने गुण बताए गए, विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील और गुण, अधर्म और धर्म, क्या बताया गया? देखिए ध्यान से देखेंगे, ईशान न विद्या, विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है और धर्म नहीं है। विद्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 गुण बताए गए। ईशान विद्या, ईशान न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस पाठ को इस श्लोक का जो आपका सरलार्थ है मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से लिख सकते हैं अपने कॉपी में, नोटबुक में। आगे देखिए प्रश्न उत्तर को देख लें आप। प्रश्न उत्तर, किम नद्यः स्वयं स्वजलम स्वयं पिबंती, नहीं। किम ज्ञानीनः ज्ञानहीनः मनुष्य शोभते, नहीं। किम क्रोधः नरकस्य कारणमस्ति, आम। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्, आम। किम चिंता शरीरस्य पोषणं करोति, नहीं। किम अशक्ति दानं कुर्यात्, आम। चलिए आगे देखिए, गुणहीनाः जनाः पशुव इव भ्रमन्ति, ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणं न अस्ति, मनुष्य रूपेण मनुष्य परिश्रमेण कार्याणि कुर्यात्, मनुष्य परिश्रमेण कार्याणि कुर्यात्। ठीक है, मनुष्य को परिश्रम से कार्य करना चाहिए। नरकस्य द्वारं त्रिविधं भवति, वृक्षा फलानि अन्येभ्य यच्छन्ति। विद्या का पर्याय क्या हो जाएगा? ज्ञानम। लक्ष्मी का धनम। और वारिवाह मतलब मेघाह, मृगा मतलब पशवः, और कामः मतलब इच्छा। तो गुणहीना जना कुत्र भारभूता भ्रमन्ति, भूवि, भूवि मन अर्थात भूमौ। ठीक है, तो भूमौ हो जाएगा। सज्जनानां संपत्तिः किमर्थं भवति, परोपकाराय, कया समम शरीर रक्षणम नास्ति, क्षमया समम, क्षमा के जैसा शरीर रक्षण कुछ भी नहीं है।
अस्माकं वाणी कीदृश भवेत्, अस्माकं वाणी रसवती भवेत्। आगे देखें, लोभा कस्य द्वारं भवति, लोभा कस्य द्वारं, लोभा नरकस्य द्वारं भवति। अब मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? मृगाः चरन्ति, मृगाः, मृगा के अनुसार चरन्ति क्रियापद दिया गया है, ठीक है। आगे देखे, के स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। कया समम शरीर भूषणम नास्ति, विद्याया समम, शरीर का आभूषण जो है विद्या के जैसा कुछ भी नहीं है। कानि नरकस्य द्वारेण भवन्ति, कामः क्रोधः लोभः च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि भवन्ति। मनुष्य रूपेण मृगाः एव के भ्रमन्ति, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूय भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अस्माकं वाणी कीदृश भवेत्, रसवती। अब आगे देखिए, लक्ष्मी है तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, क्रोध है तो क्या हो जाएगा, कह, दानेन तो केन, और मनुष्यस्य है तो कस्य, और क्षुधया है तो कया हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन श्लोकों को देखा और समझ लिया। अब आगे है, उचितम भावम चिन्हित चिन्हेन अंकितम कुर्वन्तु, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वाणी रसवती यस्य मतलब क्या हुआ, मनुष्य हमेशा मधुर वाणी बोलना चाहिए, यानी मनुष्य को हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। परोपकाराय सत्ताम विभूत है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है, सज्जनानाम संपत्ति अन्येषां परोपकाराय भवति, ठीक है, सज्जनों की संपत्ति दूसरों के परोपकार के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। और ये वृद्धि संधि मैंने पढ़ा रखा है, मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वृद्धि संधि और यन संधि मैं आपको भेज दूंगा, डाल दूंगा, इसमें आप इसे अवश्य कर लेंगे। और आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोले एक बार फिर से, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना है, और प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इन्हीं आशाओं के साथ कि आप कुशल रहेंगे, मंगल रहेंगे, पुनः अगले वीडियो में आप उपस्थित होंगे, तो अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।